हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक लेटर देखने वाले हैं क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2024 के पेपर में ये पूछा गया था। सेट पेपर का नाम है 817 HJ, ठीक है। ये 4 नंबर का आपसे पूछा गया था। तो कक्षा 10 में जो लेटर आता है, इसके ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आएगा 4 नंबर का ही। तो इसके ऑप्शन में आया था फी कंसेशन का, फीस में छूट का। तो आपको अभी इसमें लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स। तो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसको बताते हुए कि कैसे आपका गांव या शहर पिछले कुछ सालों में चेंज हो गया है। तो इसमें मैंने लिया है गांव का, ठीक है ना। आप गांव के बारे में भी लिख सकते हैं और सिटी के बारे में भी। तो गांव का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहले देखिए, ये एड्रेस है 230 गोरा स्टैंड बरौदा स्वामी ब्लॉक जखौरा। आपको अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेट, और उसके बाद देखिए अपने फ्रेंड का नाम, डियर रानू होप यू आर, यू देखिए एक बार होना चाहिए, यू आर डूइंग वेल, यानी कि आशा करता हूँ कि तुम अच्छा कर रहे हो, यानी कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई मिस यू सो मच, यानी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया है फॉर यू टू विज़िट माई विलेज, यानी कि आपके लिए मेरा गांव विज़िट किए हुए, मेरा गांव भ्रमण किए हुए आपको लंबा समय हो गया है। I want to share with you some exciting developments that have taken place in my village. I want to share, मैं share करना चाहता हूँ with you, तुम्हारे साथ, some exciting development, कुछ उत्तेजक, exciting मतलब उत्तेजक, विकास, developments that have taken place, जो हुए हैं in my village, मेरे गांव में। तो मैं वो तुम्हारे साथ share करना चाहता हूँ। The unpaved road that reaches us from the nearby village has now been paved. देखिए, पहला विकास ये है कि गांव में क्या होता है, कच्ची सड़कें होती हैं। तो unpaved road यानी कि कच्ची सड़क, that reaches us, जो हमारे तक पहुंचती है, from the nearby village, पास के ही गांव से, has now been paved, अब वो पक्की बन चुकी है, paved हो चुकी है, पक्की बन चुकी है। Now you can come ईज़िली बाई कार, नाउ अब यू कैन कम, तुम आ सकते हो ईज़िली, आसानी से, बाई कार यानी कि कार से। इट हैज़ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इन माई विलेज, इसने, इट हैज़ इम्प्रूव, इसने सुधार दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, इम्प्रूव मतलब सुधार देना, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन को, इन माई विलेज मेरे गाँव में। अ न्यू पेट्रोल पम्प हैज़ बीन, हैज़ ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड इन द विलेज, यानि कि गांव में एक नया पेट्रोल पंप भी लग गया है, इंस्टॉल हो गया है। नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ पेट्रोल, अब पेट्रोल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द पॉन्ड्स हैव बीन ब्यूटिफाइड, यानि कि जो पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनको सुंदरीकृत किया गया है। एंड पेव्ड रोड, और पक्की सड़कें, हैव बीन बिल्ट अराउंड देम, उनके चारों ओर पक्की सड़क बना दी गई है। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, तुम बहुत आश्चर्यचकित होगे, व्हेन यू विजिट माय विलेज, जब तुम मेरा गांव विजिट करोगे। इतना लिख के आपको लिखना है। योर सिंसियरली, योर फ्रेंड भी लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड लिख देना, पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन होता है उसमें लिखा रहता है कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो ये 4 मार्क्स का है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो 4 नंबर आपके पक्के होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।